राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह है आर्टिकल 15। नहीं मालूम तो देख लीजिए। हेलो हेलो, मैं हूँ मेघा, ये है अनंत और हम दोनों मिलकर आ चुके हैं लेकर बाजी टॉकीज और इस दफे की फिल्म है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में कौन कौन आपको दिखाई देंगे एज एक्टर्स, बता देते हैं आपको। मूवी में आपको दिखाई देंगे आयुष्मान खुराना। इसमें कुछ डोनेट नहीं कर रहे हैं, कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस रोल है उनका, एकदम नए नवेले आईपीएस ऑफिसर बने हैं। उसके साथ साथ दिखाई देंगे मनोज पाहवा, काफी हट्टे कट्टे हैं, कुमुद मिश्रा, ईशा तलवार एंड शायनी गुप्ता। अरे डोंट फॉरगेट जीशान आयुब ना। अरे उनका थोड़ा छोटा रोल है लेकिन काफी दमदार रोल है। मूवी का पेस काफी ग्रिपिंग है, आप कहीं पे बोर नहीं होंगे, मतलब स्लगिश नहीं लगेगी मूवी आपको कहीं पे भी। इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, द बदायूं रेप केस। इस फिल्म के अंदर आयुष्मान खुराना एक नए नवेले, जैसे बताया था, आईपीएस अफसर है, इनका तबादला होता है एक छोटे से गांव में जहां पे रेप केसेस को ऑनर किलिंग का नाम देके पुलिस कवर अप करना चाहती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर डेफिनेटली एड्स टू इट, क्योंकि उसके साथ साथ आपको लगता है कि फिल्म का पेस भी आगे बढ़ रहा है। पुलिस के साथ साथ वहां के लोकल गुंडे और सरकार भी मिली हुई है एक हद तक, लेकिन आयुष्मान खुराना बीइंग द अपराइट आईपीएस ऑफिसर दैट ही इज, ही डिसाइड्स कि कुछ चेंज तो लाना पड़ेगा। मूवी के जो ज्यादातर शॉट्स हैं वो सुबह के हैं और रात के हैं, और अगर दोपहर के भी हैं तो थोड़ा धुंध है जिससे थोड़ी ईरी फीलिंग आती है। अगर आपके भेजे में दिमाग है, जो मुझे उम्मीद है पूरा पूरा है, तो आपको ये फिल्म काफी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर जो कास्ट डिवाइड है, यहाँ इस जाति के लोग जा सकते हैं, वहाँ उस जाति के जा सकते हैं, इसका छुआ नहीं खाएंगे, ये काफी अच्छे से दर्शाता है। कौन है मोहन जी? मोहन जी, मोहन जी हैं। ऊंची जात के? ब्राह्मण है सर। जाटव जी, आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाति है? नहीं नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी है। तुम क्या? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कान्हे कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं, आप सरयू पारी। What the f**k is going on here? So, मनोज पाहवा ने बेहतरीन एक्टिंग करी है, वो आयुष्मान के अंडर काम करते हैं, बट क्या काम करते हैं वो आपने पिक्चर में जाकर के देखना होगा। ज्यादातर हमने मनोज पाहवा को कॉमिक रोल्स में देखा है, जैसे कि आयुष्मान को देखा है, लेकिन इसमें वो काफी डार्क विलेनस रोल में नजर आते हैं, पुलिस वाले हैं लेकिन पता नहीं किसकी पुलिसगिरी कर रहे हैं। कुमुद मिश्रा ने भी क्या कमाल की एक्टिंग करी है, मतलब एवरीवन हैज आउटडन देमसेल्व्स। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने क्या सोचा, क्या कहा, चलिए देखते हैं। मुझे अच्छी लगी। ये अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि ये सच्चाई है और बहुत बांधने वाली फिल्म है, काफी हार्ड हिटिंग फिल्म है। ये बहुत अच्छा एक सामाजिक मुद्दा उठाती है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा रियल फिल्म आज तक बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में कोई पहले बनी। कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है समाज को, जो मुझे काफी पसंद आया। वैसे आपको पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आयुष्मान की फिफ्थ हिट मूवी होगी इन अ रो। उम्मीद तो ऐसा ही करे। अगर इस पिक्चर आर्टिकल 15 में कहीं नंबर काटने हैं तो वो थोड़ी कंटिन्यूटी प्रॉब्लम है। एक सीन ऐसा है जहाँ आयुष्मान खुराना एकदम सूट बूट लगा के दलदल के अंदर घुसते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं, गोताखोरी करते हैं, बाहर निकलते कपड़े एकदम साफ। फिल्म में भी कहा है दाग अच्छे हैं लेकिन उनके कपड़ों पे नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि फिल्म में बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है, तो फिल्म कहीं कहीं पर कंफ्यूजिंग हो जाती है। डायरेक्टर ने सारा दिमाग एक ही फिल्म में लगा दिया। तो चलिए देख लेते हैं कि बाजी टॉकीज में इस फिल्म को, आर्टिकल 15 को कितने स्टार्स मिलते हैं। अनुभव सिन्हा ने कमाल की पिक्चर बना दी, एंड इसीलिए हमारी तरफ से मिलते हैं इसको 1, 2, 3.5 स्टार्स। 3.5 स्टार्स के साथ आर्टिकल 15 जाइए देखिए, काफी डिस्टर्ब करेगी जो कि अच्छी बात है। इस मुद्दे के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हर इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए। क्रांति भी ऐसे ही आएगी। कब? अच्छा अगले हफ्ते आएगी जब हम फिल्म के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल बाजी टॉकीज में अनंत और मेघा की तरफ से बाय बाय।